रीवा जिले के मऊगंज में पहली बार 500 मीटर के विशाल तिरंगे को लेकर हजारों लोगों ने चाक मोड़ से मऊगंज न्यायालय तक 3 किलोमीटर दूरी तय की है। यह विशाल तिरंगा यात्रा हजरत हाफिजी अजमत अली शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ के सज्जादा नसीन हाजी मोहम्मद अली शाह वारसी की अगुवाई में किया गया है, जिसमें मऊगंज पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार SDOP नवीन दुबे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने भी दलबल के साथ कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की है। वारसी समाज के द्वारा आयोजित गौरवशाली इतिहास के पन्नों पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस कार्यक्रम में ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के साथ ही हिंदू समुदाय के साथ राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए हैं। अभी तक इस तरह का आयोजन नहीं हुआ है। आज पहली मर्तबा देश की आज़ादी के 75वें दिवस में जो है हमने निर्णय लिया कि आयोजन किया जाना चाहिए और एक मिसाल कायम हो और तिरंगे झंडे की जो रैली निकाली गई है उसमें तमाम लोगों का सहयोग भी रहा और ये पहला अवसर है इस तरह की रैली शायद ही कभी मऊगंज में कभी भी नहीं निकली और हमारी आत्मा अंदर से ये आवाज़ करी कि ये आयोजन किया जाए और हमने अपने कुछ साथियों से अपने काम करने कार्यकर्ताओं से मशवरा किया और उन्हें इसकी जो है कहा कि नहीं ठीक है, हम सब सहयोग करेंगे और ये यात्रा निकाली जाए और तिरंगा झंडा की मान सम्मान और उसकी आदर जितना भी हम लोग कर सकते हैं करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक ये जीवन है, जब तक इस तिरंगे झंडे का मान सम्मान बराबर होता रहेगा। हमारी समाज की तरफ से यही पैगाम रहता है कि वारसी समाज एक प्यार और मोहब्बत लेकर के जन्म लिया है और भाईचारे का पैगाम दिया है और ये कहा है एक दूसरे से इखलाक रखो, मोहब्बत करो, प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो। इन तमाम चीज़ों को लेकर 15 अगस्त को मैं अपने दरगाह शरीफ कुतुब आलम महावीर हाजिर शहीद अजमत अली शाह वारसी रहमतुल्लाह रिजवान की दरगाह पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं और झंडा फहराएंगे, दरगाह परिसर में झंडा फहरेगा और वो एक मिसाल कायम होगा और ये कभी भी हमारे समझ से हिंदुस्तान में या कि मध्य प्रदेश में कभी भी किसी भी दरगाह पर इस तरह का आयोजन हमारे समझ से कभी भी नहीं हुआ है और ये पहला अवसर है। हमें इस मऊगंज की जनता से, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से जो प्रेम मिला, जो इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, मैं उसके लिए इन तमाम सब लोगों का आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से इन तमाम लोगों को गले से लगाता हूँ और उनके खुशहाली के लिए